आज हम पकाएंगे खट्टे मीठे घास जो हिंदी में बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम होता है ऑक्सेलिस लेटिफोलिया। स्पेलिंग में आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा एडिट के वक्त। तो इसको किस तरह से पकाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के लोग किस तरह से खाया जाता है, किस तरह से खाते हैं, मतलब वो किस तरह से पका कर खाते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे आज मछली के साथ। इसका स्वाद खट्टा होता है थोड़ा, तो आप देखते रहिए इसको, इस क्विजिन को जानने के लिए और सीखने के लिए। इसका पहचान है ये, इसका जो पत्ता होता है इस टाइप का, आपके गांव में शायद इंडिया में घर के ही मिलता है ये, आपके गांव के आसपास भी रहेंगे अगर आप गांव में रहते होंगे, जिसका पहचान यही है ये पत्ता। और इसका पीला पीला फूल रहता है ये वाला, इसका फल ऐसा है ना, इसको खट्टे मीठे घास जो हिंदी में बोलते हैं। इसको हम आज पकाएंगे इस तरह से, अभी तोड़ रहे हैं हम लोग। हमने हमारा सब्जी तोड़ लिया, अब इसको पकाने का बारी है, अच्छे से धो भी लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। तरह से पैन को डाल देंगे। अब हमारा पैन गर्म हो चुका है, सब्जी को इधर डालेंगे। हम यहाँ वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये टोटली इंडिजीनियस जितने भी ट्राइब्स है वो खाते हैं, इसलिए इधर वेजिटेबल ऑयल्स या फिर कुछ मसाला का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये इस तरह से हम डालेंगे। वाओ, सनसनाहट तो सुनिए इसका, ओह माय गुडनेस, हाँ हाँ हाँ, एक खट्टापन खुशबू आ रहा है यहाँ से। ओह माय गॉड, इतना सारा था ये, देखो खट गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे पानी। इस तरह से अब हम कवर कर देंगे इसको थोड़ी देर के लिए, इस तरह से हमने कवर कर दिया। ये अब पक चुका है, अब हम इधर डालेंगे हमारा मछली। ये गया मछली, ये हम डालेंगे हमारा मछली इस तरह से। हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, अभी दो ही पीस डालते हैं मछली का और बाकी को रहने देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डालेंगे हमारा नमक, सॉल्ट, ये है हमारा सॉल्ट। इधर हम टर्मरिक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये इंडिजीनियस वैरायटी है, मैं कि इसको जैसे कि इंडिजीनियस लोग खाते हैं यहाँ का ट्राइब्स, जैसे वैसे फ्लेवर में ही बनाना चाहते हैं हम, तो इसलिए हम इधर टर्मरिक भी ऐड नहीं करेंगे। आ हा हा, इसका जो खट्टापन का एक खुशबू आ रहा है, उफ ये लाजवाब है, मतलब कि ये अंदाज़ा दे रहा है हमको, सिग्नल दे रहा है कि ये यमी बना है। मैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इसको टेस्ट करने का, आह कब हो जाएगा ये। वाओ वाओ, अब बन चुका है हमारा खट्टा मीठा घास, तो इसको अब टेस्ट करने का बारी है। तो अब हम टेस्ट करेंगे, गैस को कर देते हैं ऑफ, यहाँ पे डालेंगे हम इस तरह से थोड़ा सा ग्रेवी। ओह माय गुडनेस, यह बहुत गर्म है। एक मछली लेते हैं हम लोग इस तरह से, हाँ फाइनली अब हम टेस्ट करेंगे। इसका जो खट्टापन का स्वाद है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, इसी इंडिजिनियस कम्युनिटी का मैं भी बिलोंग करता हूँ कम्युनिटी से, मतलब तो इसका जो स्वाद है मुझे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये देखिए,
अब भी बनाइए खट्टे मीठे घास को और स्वाद लीजिए इसका, बेहद ही लाजवाब स्वाद है इसका। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में, क्योंकि इधर कुछ भी मसाला हमने नहीं डाला है, एकदम सिंपल रेसिपी है। आप भी खाइए ऐसा इस तरीके का हेल्दी रेसिपी और ज़िंदगी का आनंद लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।